साल में 2.25 करोड़ से अधिक का घोटाला करने वाले पंचायत सचिव के खिलाफ आखिरकार FIR दर्ज करा दी गई। ADO पंचायत बनाहाल ने थाने जाकर आरोपी के खिलाफ तहरीर दी थी। बनाहाल क्षेत्र में काफी दिनों से करोड़ों के घोटाले को लेकर मामला सुर्खियों में था, जिसके बाद आखिरकार जिला अधिकारी महेंद्र बहादुर सिंह के कड़े निर्देशों के बाद 2.25 करोड़ का घोटाला करने वाले पंचायत सचिव के खिलाफ FIR दर्ज कर ली गई है, जिसके साथ ही इस मामले से जुड़े 26 ग्राम प्रधानों को भी रिकवरी नोटिस भेज दिए गए। इन प्रधानों को 15 दिन का समय दिया गया है। 15 दिन में प्रधानों ने रिकवरी से जुड़ी आधी धनराशि जमा नहीं की तो इनके खिलाफ भी FRI दर्ज कराई जाएगी। बनाहाल ब्लॉक के सहायक विकास अधिकारी राजेश कुमार दुबे ने पुलिस को तहरीर देकर जानकारी दी है कि 1 जनवरी 2016 से 16 जून 2017 के बीच पंचायत सचिव रतन सिंह पुत्र फजल मसीह निवासी रुकनपुर निकट आवास विकास कॉलोनी सुकाबाद फिरोजाबाद ने विकास खंड की 26 ग्राम पंचायतों में कुल 2,26,11,079 रुपए का घोटाला किया है। इस मामले की जांच DD पंचायत आगरा की अध्यक्षता में गठित टेक्निकल असेसमेंट कमेटी द्वारा की गई थी। गुरुवार को इस कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर पंचायत सचिव द्वारा किए गए घोटाले का खुलासा हुआ है। वहीं FIR दर्ज होने के बाद पुलिस अब सचिव की गिरफ्तारी के प्रयास कर रही है। उसकी गिरफ्तारी के लिए टीमों का गठन किया गया है।